वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और आज आपको अनबॉक्सिंग मिलने वाला है जैसे कि पोको एयरफोन का, जो कि मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भाई पोको एयरफोन का आपको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या, जो कि एक फ्लैगशिप ब्रांड फोन है तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ जो कि एक ब्लैक एंड येलो के साथ आता है जो कि बॉक्स, और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। यहाँ पे आप जो देख सकते हो उसका एक बिल जो कि मुझे 20,000 में फोन मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स, तो बॉक्स को कर लेता हूँ ओपन। और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, और बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक सील है। ओके, सील को भी ओपन कर लिया हूँ, और जो कि येलो और ब्लैक शेड में आपको मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक पोको F1 है 6GB रैम और 64GB रोम वाला मैंने ऑर्डर किया था जो कि मुझे 20,000 रुपए में मिला। तो एक जैसे कि इसके अंदर आपको एक केस मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर आपको यहाँ पे सम पेपर है जो कि मैनुअल गाइड है, और उसके बाद इसके अंदर आपको केस मिलता है। तो मैंने रेड कलर में ऑर्डर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट मिल रहा है मुझे केस, जो कि एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट केस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो क्वालिटी इसका थोड़ा अच्छा है, तो इसको कर लेता हूँ साइड में। और इसके बाद दो नेक्स्ट हो गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद इसके अंदर आपको मिलता है फोन जो कि रेड कलर में मैंने ऑर्डर किया है। तो फोन को कर लेता हूँ थोड़ा साइड में। और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको जो कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट केबल मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आपको यूएसबी टाइप सी केबल मिलता है। तो ये एक जैसे कि बजट रेंज में आता है, जैसे कि 20,000 और 20,000 में एक अच्छा फोन है, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये फोन लेके आया हूँ। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर आपको यूएसबी टाइप सी केबल मिलता है, उसके बाद जो एक फास्ट चार्जर मिलता है 3.0 का, जो कि एक फास्ट चार्जर है। और चार्जर का रेटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि 5 वोल्ट 3 एम्पेयर का चार्जर है, जैसे कि 9 वोल्ट 2 एम्पेयर का भी चार्जर है, 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का चार्जर, जैसे कि ये चार्जर है 5 वोल्ट 3 एम्पेयर। और इसके बाद बॉक्स के अंदर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, तो सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं बॉक्स को रख लेता हूँ साइड में। और आपको फोन की फिजिकल ओवरव्यू की बात करो तो इसके अंदर आपको जो कि राइट साइड में मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स, और उसके ठीक नीचे पावर लॉक अनलॉक बटन, और उसके बाद जो कि नीचे आता है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम ग्रिल मिलता है यहाँ पे, और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको माइक का ग्रिल है। उसके बाद जो कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो सिम ट्रे है, यहाँ पे आपको बताऊंगा सिम ट्रे कौन सा मिलता है। और जो कि इसके अंदर शॉमी के फोन्स में तो सभी हाइड्रेट आता है, तो इसके अंदर भी आपको हाइड्रेट सिम स्लॉट ही मिलता है आपको। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर हाइड्रेट सिम स्लॉट मिलता है, जैसे कि आप अगर यूज करना चाहते हो दो 4G सिम कार्ड यूज कर सकते हो इसके अंदर, नहीं तो एक 4G सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो है ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन सेकेंडरी माइक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप 3.5mm का ऑडियो जैक देख सकते हो। तो फ्लैगशिप ग्रेड में फोन में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिलता है इस फोन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैक में जो कि 12+5 का कॉम्बिनेशन है, ड्यूअल कैमरा आपको इसके अंदर मिलता है। तो थोड़ा मैं स्टिकर को हटा लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल कैमरा है जो कि 12+5 का, और मेन 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल टोन LED फ्लैश, और उसके बाद ठीक नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट जो कि एक ग्लास फिनिश के साथ आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो पोको बाय शॉमी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रेड कलर में ऑर्डर किया है, जैसे कि रेड कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद फ्रंट कैमरा में यहाँ पे आप देख सकते हो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है आपको विथ IR, जैसे कि IR फेस अनलॉक। और यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर पीस, और इसके बाद यहाँ पे सम हाईलाइट यहाँ पे बताया गया है, जैसे की क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 जो की क्लॉक्ड है 2.8 GHz पे, जो कि AI इसके अंदर आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो कि AI डुअल कैमरा है बैक में। और इसके बाद जो है 4000 mAh का बैटरी मिलता है इसके अंदर आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोन को कर लेता हूँ बूट, और बूट करने के बाद आपको बताऊंगा फोन के अंदर क्या क्या मिलता है। और देख सकते हो जो कि पूरा येल्लो है इसके अंदर भी, जो कि लोगो आ रहा है येल्लो, जो कि पोको बाय शॉमी।
इसके अंदर आपको जो कि MIUI 9 का वर्जन मिलता है। तो मैं क्विक सेटअप कर लेता हूँ। ओके, परमिशन रिक्वायर्ड, ओके हेलो। और यहाँ पे आप देख सकते हो फोन हो चुका है बूट, और जो कि आपको मिलता है इसके अंदर पोको का लॉन्चर, जो कि आपको इसके अंदर शॉमी का नहीं मिलता है। तो आपको जो कि रेडमी नोट 5 प्रो में आपको दूसरा लॉन्चर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन टॉगल, यहाँ पे आपको जैसे कि ओके थोड़ा अलग मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आपको सेटिंग्स के अंदर बताओ तो इसके बाद अबाउट डिवाइस, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन जो कि एंड्रॉइड 8.1 है, जो कि सिक्योरिटी पे आ जाता है 1st of August। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेट होगा, मैंने अभी जस्ट अभी इसको अनबॉक्स किया है, तो मैं बाद में अपडेट करूंगा और अपडेट करने के बाद आपको फुल ओवरव्यू का एक वीडियो बना के बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल 4GB इसके अंदर वर्क करता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर आपको जो कि बता चुका हूं जो कि पोको का इसके अंदर आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोको लॉन्चर मिलता है यहाँ पे, और जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट बताऊँ तो मैंने तो फिंगरप्रिंट को कर लिया है सेट, तो अभी मैं फेस अनलॉक को सेट कर लेता हूँ, जो कि इसके अंदर आपको मिलता है IR फेस अनलॉक, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है और जो कि आपको नाइट में भी वर्क करेगा कोई बिना दिक्कत के। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फेस अनलॉक को कर लेता हूँ सेट, फेस अनलॉक हो चुका है सेट। और इसके बाद आपको बताता हूँ इसके अंदर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट कैसा वर्क करता है। तो मैं थोड़ा साउंड कर लेता हूँ ज्यादा, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3। तो फिंगरप्रिंट बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि क्लिक करते ही ओपन हो रहा है विद इन अ सेकेंड में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी मैं आपको फेस अनलॉक बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे IR, जैसे कि आपको IR फेस अनलॉक मिलता है जो कि फेस को करता है डिटेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो फास्ट वर्क हो रहा है फेस अनलॉक भी। और एक फ्लैगशिप ग्रेड फोन जैसे कि बजट रेंज में आता है, एक बेस्ट फोन है एवर, जैसे कि मैंने इसको परचेस किया, मेरा बजट कम होने के कारण भी इसको मैंने परचेस किया, क्योंकि जो मुझे एक फ्लैगशिप ग्रेड फोन होना था जो कि स्नैपड्रैगन 840 के साथ आता हो, तो मुझे एक बेस्ट डिवाइस लगा। जैसे कि आपको परचेस करना है 15,000 16,000 या 17,000 को, तो आप किसी भी फोन के ऊपर मत देखिए। जैसे कि आपको पोको F1 एक बेस्ट है, जैसे कि इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर, जो कि एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, जो कि आपको फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर मिलता है। तो इस प्राइस रेंज में आपको कौन सा भी डिवाइस नहीं मिलता है, जैसे कि इसके बारे में बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोल रहे हैं, लेकिन इसके जो है आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले ओके, इसके अंदर आपको जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर फोन गिराओगे तो आपका फोन टूट सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन आपका फोन अगर आपको सेफ रखना होगा, क्योंकि जो कि ये गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है, अगर दूसरे फोन का आप कंपैरिजन करोगे तो दूसरे फोन का भी गोरिल्ला ग्लास 3 रहता है, तो भी आप एक बार भी गिराओगे जो आपका फोन है ब्रेक हो सकता है। लेकिन ये फ्लैगशिप ग्रेड फोन है, तो उसके हिसाब से फ्लैगशिप ग्रेड फोन के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से जो है इसका जो है बिल्ड क्वालिटी थोड़ा कम है, लेकिन एक बजट डिवाइस जैसे कि आपको 20,000 में कोई भी नहीं देगा 845 के साथ, तो ये डिवाइस में आपको 845 मिलता है, तो एक कंपटीशन जैसे कि जो भी फ्लैगशिप फोन है उसके साथ एक कंपटीशन हो गया है, तो इसके वजह से जो है इसको बहुत सारे कॉन्स के साथ इसका आपका जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ये डिवाइस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके साथ जो आता है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी आता है, तो इसका जो है बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा और फोन कभी भी हीट नहीं होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसके नेगेटिव के बारे में, जैसे कि फोन ऐसा है वैसा है, गिराने के बाद जो है फोन आपका ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअल में अगर गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ प्रोटेक्शन आता है कौन सा भी डिवाइस वो गिराओगे तो आपका जरूर ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये जो है थोड़ा इसमें जैसे कि बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्योंकि जो है 845 इसके अंदर प्रोसेसर लगाया गया है, इसके लिए आपको जो है थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में आपको चेंजेस मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में एक बेस्ट फोन है। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी होना तो आप बेशक दूसरा फोन ले सकते हो, लेकिन आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं होना, एक परफॉर्मेंस होना, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा बैटरी बैकअप, तो आप बेशक इस फोन को ले सकते हो। तो इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। आपको बिल्ड क्वालिटी होना तो ASUS ZenFone Max Pro, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था
गया, तो अगर उसके अंदर आपको जो कि गोरिल्ला का 6 का प्रोटेक्शन मिलता है तो वो आप बेशक ले सकते हो, आप 15,000 रुपीज में आपको मिलता है। जो उसका बेस वेरियंट है आपको 13,000 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको एक परफॉर्मेंस चाहिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस जो कि बिना हीट हुए और लगातार आपका मोबाइल जो है वर्क करता रहे, तो एक बेस्ट फोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जैसे कि कैमरा बताओ, तो कैमरा इसके अंदर जो कि ड्यूअल कैमरा है बैक में, जो कि एक 12+5 का कैमरा मिलता है, कैमरा कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको AI का भी ऑप्शन मिलता है बैक में, तो मैं ओके इसको कर लेता हूँ ऑन AI को। यहाँ पे आप देख सकते हो AI ऑन करने के बाद जो कैमरा क्लैरिटी है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं एक फोटो ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लैरिटी फोटो का, जो कि फोटो का क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं एक पोर्ट्रेट शॉट लेके बताऊंगा आपको, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्रेट शॉट जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल तरीके से किया है, एक नॉर्मल शॉट। और आपको एक सेल्फी भी लेके बताता हूँ पोर्ट्रेट शॉट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि फोन को भी इसने ब्लर कर दिया है, जो बैकग्राउंड है वो नेचुरल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ओके एडजस्ट प्रॉपरली डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके अंदर आपको बेसिक कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एडजस्ट जो है वो प्रॉपरली डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बालों को भी इसने कट नहीं किया है, तो जो फोन है वो फोन भी ब्लर हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो फेस को इसने ट्यून किया है। तो कैमरा इसके अंदर आपको बेशक बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आपको 20,000 रुपीज में ऐसा फोन कोई भी ब्रांड नहीं दे सकता है। जो कि एक फ्रंट कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्रंट कैमरा में भी बहुत ही ज्यादा पिक्चर्स अच्छे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। एक फ्रंट कैमरा से मैंने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि कलर भी बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड है, और पोर्ट्रेट कैमरा भी आपको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि एक कॉर्नर मिलता है, जैसे कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे फोन एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको परचेस किया है आपके लिए स्पेशली। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि इसके अंदर आपको बहुत सारा जैसे कि कॉन्स देखने को मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी फोन का अच्छा नहीं है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो फोन का प्राइस है वो 20,000 में आपको स्नैपड्रैगन 845 के साथ कौन सा भी डिवाइस नहीं मिलता है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसके जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आपको एक केस परचेस करना होगा इसके लिए, और एक स्क्रीन जैसे कि टेम्पर्ड ग्लास आपको परचेस करना पड़ेगा अपने सेफ्टी के लिए। अगर आप नॉर्मल फोन भी लोगे तो उसमें भी आप केस यूज करोगे और टेम्पर्ड ग्लास भी यूज करोगे, तो इसको अंदर भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोन को, जो कि फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए फ्यूचर में ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।